नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो 6583 बोर्ड के ऊपर है कि 6583 बोर्ड की जो वायरिंग है वो किस तरीके से होती है। और देखिए, 6583 बोर्ड जो हमें देखिए इस तरफ से दो टाइप के बोर्ड मिलते हैं। ये वाला हमारा मोनो बोर्ड है, ये हमारा स्टूडियो बोर्ड है, यानी कि जो स्टूडियो डबल चैनल और ये मोनो बोर्ड। अब यहाँ पर इन दोनों में देखिए कितना फ़र्क है, कंपोनेंट का भी बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है, क्योंकि ये सिंगल चैनल के अंदर बनाया हुआ है, ये डबल चैनल के अंदर है। तो पहले बात कर लेते हैं इस डबल चैनल की वायरिंग कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो हमारा बोर्ड है, यहाँ पर देखिए एक प्रिंट हमारा ये है, ये लेफ्ट ऑडियो, ये राइट ऑडियो। यहाँ पर हमें लेफ्ट और राइट इनपुट देना होता है जो हमारे ब्लूटूथ किट से जाएगी, यानी कि ब्लूटूथ किट का लेफ्ट और राइट यहाँ से जाएगा। और ये बीच वाला जो है ये ग्राउंड पॉइंट है, यानी कि कॉमन पॉइंट, यानी कि जो हमारी ब्लूटूथ किट के अंदर तीन वायर होती है, लेफ्ट, ग्राउंड और राइट, ये तीनों वायर यहाँ जाएगी। तो इसके अंदर जो है ब्लूटूथ किट की जो ऑडियो होती है वो इस बोर्ड के अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर ये दो कैपेसिटर जो हैं, इन कैपेसिटर पे देखिए एक पॉइंट यहाँ रहेगा स्पीकर का, एक पॉइंट यहाँ रहेगा, यानी कि लेफ्ट स्पीकर का पॉइंट और राइट स्पीकर का पॉइंट यहाँ पर रहेगा। आप लेफ्ट और राइट कोई सा भी कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन जो उसका ग्राउंड पॉइंट होएगा, यानी कि जो स्पीकर का नेगेटिव पॉइंट होएगा, वो लगेगा आपका यहाँ पर कैपेसिटर के माइनस से। देखिए कैपेसिटर के माइनस से सीधा यहाँ, आप नेगेटिव पॉइंट स्पीकर का कहीं भी लगा सकते हैं। और ये हो गया हमारा लेफ्ट और राइट। अगर आपको ये प्रिंट से नहीं समझ में आ रहा तो आप नीचे से कैपेसिटर भी देख सकते हो, कैपेसिटर के पास ही आपको ये लगाना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो सप्लाई है, अगर यहाँ पर डायोड लगे हुए हैं चार, देखिए ये अगर चार डायोड लगे हैं तो आप यहाँ पर 0-12 का ट्रांसफार्मर लगा सकते हो। और अगर आप किसी बैटरी से चला रहे हो तो आप डायरेक्ट ही कैपेसिटर पे माइनस और प्लस पे वोल्टेज दे सकते हो। यहाँ पर ये कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है, तो ये माइनस यहाँ पर बैटरी का पॉइंट लगेगा और यहाँ प्लस लगेगा। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है और इसके बड़े ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोनो बोर्ड की, तो मोनो बोर्ड के अंदर भी सिंपल यहाँ पर इसी तरीके से करना है। यहाँ पर जो हमारा ब्लूटूथ किट है, यहाँ पर आपको लेफ्ट या राइट कोई सा भी सिग्नल दे देना है और ये आपका ग्राउंड पॉइंट हो गया, तो ब्लूटूथ किट की जो ऑडियो है वो इसके अंदर चली जाएगी। अब बात करते हैं स्पीकर की, तो स्पीकर का देखिए नेगेटिव पॉइंट हमारा ये वाला है, जो हमारे देखिए कैपेसिटर के नेगेटिव से होता हुआ देखिए सीधा यहाँ आ रहा है, तो स्पीकर का नेगेटिव पॉइंट यहाँ लग जाएगा। और ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है देखिए 470 UF 10 वोल्ट का, यहाँ का जो इसका एक प्रिंट देखिए खाली है, तो स्पीकर का पॉजिटिव वाला पॉइंट यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये दो पॉइंट स्पीकर के हो गए। और ये हमारा ब्लूटूथ किट जो है, हमारा लेफ्ट ऑडियो या राइट ऑडियो लगाना होगा, क्योंकि एक ही चैनल लगेगा अब इसके अंदर, या तो राइट लगेगा या लेफ्ट लगेगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर ये मोनो चैनल है। अब बात करते हैं यहाँ पर चार डायोड लगे हुए हैं, तो चार डायोड के जो हमारे, अगर आप ट्रांसफार्मर से चला रहे हैं 0-12 से, तो आप यहाँ पर डायोड पे लगाओगे दोनों कनेक्शन। और अगर आप बैटरी से चला रहे हो तो यहाँ पर जो कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है वो माइनस पे लगेगा, और जो कैपेसिटर का प्लस वाला पॉइंट है वो प्लस पे लगेगा, और ये बैटरी से चलने लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इनकी वायरिंग है दोस्तों, वायरिंग बहुत आसान है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन को जरूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।